अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। भाई आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को कुछ फूडी सा दिखाने वाला हूं। जैसे कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आज मैं दुबई में एक फेमस रेस्टोरेंट जिसका नाम एब्सोल्यूट बारबेक्यू है वो मैं विजिट करने आया था। भाई दुबई में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं, कहाँ कहाँ पर जाके आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसी सिलसिले में अगर आप दुबई आ रहे हैं या फिर आप दुबई में रह रहे हैं, एब्सोल्यूट बारबेक्यू कैसा है, इसका लंच बुफे कैसा है, ये सारी चीज़ें आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक आप लोगों ने देखना है ताकि इसमें आप लोगों को पता चल जाए कि एब्सोल्यूट बारबेक्यू क्या क्या ऑफर कर रहा है एक लंच बुफे में, और इसके टेस्ट किस तरह से है, कौन कौन सी वैरायटीज मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो आइए मेरे साथ, लेट्स जंप इनटू इट। एंटर होते साथ ही सबसे पहले आपको यहाँ पे डेजर्ट का काउंटर मिल जाता है, जहाँ पे आपको स्वीट और फ्रूट्स और इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये लंच बुफे है जी, ठीक है जी, और ये सारी चीज़ें आपको लंच बुफे में मिल जाती हैं। ये है गया डेजर्ट काउंटर। देन उसके बाद हमारे पास आ गया विश ग्रिल, तो इसके अंदर डिफरेंट सॉसेस हैं यहाँ पे, और जो ग्रिल्ड आइटम जो बारबेक्यू आइटम है वो यहाँ पे आपको मिल रहा होता है। सैलड्स हैं, पानी पूरी बन रही है, कचौरियाँ हैं, दाल चना चाय, ये सारा आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन वी विल गो टूवर्ड्स, ये नॉन वेज बिरयानी आ गई, ये बिरयानी आ गई, वेज सर्व करो करो। हाँ अच्छा जी, बारबेक्यू का सीन यहाँ पे क्या है कि बारबेक्यू आपको टेबल पे इस तरह से मिलती है, तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे बारबेक्यू का सीन बड़ा ऑन है ना, आपको बारबेक्यू के लिए जाके लाइन नहीं लगना, बारबेक्यू आपको टेबल पे सर्व हो रहा होता है और आप इजीली जो है ना वो टेबल पे ही बारबेक्यू को इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर, और आपको जो है ना वो ला ला के वो दे रहे होते हैं इस तरह से आपको बारबेक्यू और ये सारी चीज़ें। देखिए मटन का ये आ गया हमारे पास, तो इस तरह से ये बारबेक्यू जो है ना वो आपको कंटिन्यूस सर्व हो रहा होता है यहाँ पर। ऑन टॉप ऑफ इट जो है ना वो ये रोस्टेड पाइनएप्पल है जी यहाँ पे, किसकी एक अच्छी यार। देखिए जब भी आप आ रहे होते हैं ना किसी बफे पे, तो सबसे मेन चीज आपका जो सबसे मेन कंसर्न होता है वो होता ही यही है कि बारबेक्यू अच्छा मिल जाए और बारबेक्यू टाइम पे मिलता रहे, आपको कोई वेटिंग ना करनी पड़े। सबसे मेन और अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि बारबेक्यू आपको ऑन द टेबल सर्व हो रहा है और क्रीम भर भर के सर्व हो रहा है। देखिए अभी ये कौन सा है, ओके उसके बाद अभी आप देखिए दोबारा से रिफिल हो गया और गर्म भी है, नीचे कोयले लगे हुए जो कि आपके बारबेक्यू को कंटिन्यूस गर्म रख रहा है। तो आपके जो जो सीखें खाली होती जा रही है ना वो सीखें रिफिल होती जा रही है। देखिए एक टेबल पे ये दो लगे हैं ना, और हमें जो है ना वो उठ के जाने के लिए बारबेक्यू के लिए ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज समथिंग बेहतरीन। देन उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये कुछ नॉन वेज, अच्छा इन्होंने मेन्यू जो है ना वो बिल्कुल साइड साइड किया हुआ है, ये नॉन वेज मेन्यू है, इसमें ये आपको ग्रिल्ड फिश वगैरह, नॉन वेज के अंदर ये चिकन आ गया, ठीक है जी, विंग आ गया, और ये अदवा गोश्त आ गया, देन दिस नॉन वेज सूप, ये कुछ सैलड बार आ गई, ठीक है जी, और ये फिर आ जाता है वेज के अंदर, यहाँ तक नॉन वेज है, ये यहाँ तक नॉन वेज है, फिर ये वेज वेज मेन्स, ओके। तो इसमें आपको ये पूरा वेज आइटम मिल जाता है, जो लोग नॉन वेज खाने वाले नहीं है उनके लिए भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद ये आपका जूसेस का काउंटर आ जाता है, तो ये आपको टोटल जो है ना वो इस तरह से आपको मेन्यूज मिल जाते हैं। फिर ये एक समझ लें कि आइसक्रीम काउंटर है, आइसक्रीम काउंटर, जूसेस, ये चॉकलेट फाउंटेन लगा हुआ है इसमें यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी फरमाइश पे किसी भी फ्लेवर को लेकर उसको ब्लेंड करेंगे एक साथ, जैसे कि मैंने बोला चॉकलेट और मैंगो, अच्छा दिस वन,
चॉकलेट चिप्स मैंने डलवाए इसके ऊपर एंड सम दिस थिंग आल्सो ये भी डलवा दिया मैंने. अब लेट्स सी कि क्या बन रहा है. ओके अब ये इसको ब्लेंड करेंगे दोनों फ्लेवर को एक साथ और ये देखिए साथ साथ ब्लेंड करते करते एक फ्लेवर और ये सारा टॉपिंग जितनी भी ये टॉपिंग्स आप देख रहे हैं ना कोई सी भी आप टॉपिंग डलवा सकते हैं. ये फ्लेवर है जो कि आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और बेहतरीन किस्म के ये देखिए ये मैंगो चॉकलेट यस ये हर्शीज की ये टॉपिंग आ गई चॉकलेट की और ये बेहतरीन से मेरा आइसक्रीम रेडी है. देख रहे हैं आप दिस इज समथिंग यूनिक कि आपको आइसक्रीम जो है ना अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि आइसक्रीम आपको आपके फ्लेवर के हिसाब से मिल रही है जो सा फ्लेवर चाहिए जिसके साथ ब्लेंड करना है जो टॉप अप डलवाना है वो सारी चीजें आपको उसमें मिल रही है ना. दिस इज समथिंग यूनिक और बड़ी बेहतरीन. इवन कि बारबेक्यू के हवाले से मैं आपको बताऊं यार बारबेक्यू में क्या सीन चल रहा है कि वो मुझे बोल रहे हैं कि भाई आपको किसी और फ्लेवर में चिकन के बारबेक्यू चाहिए कुछ अलग से करके बना दूं जैसा आप बोलेंगे वैसे मैं आपको बना के दे दूंगा. दिस इज समथिंग यूनिक एंड स्पेशल. ओके तो भाई ये था आज का ब्लॉग एब्सोल्यूट बारबेक्यू के हवाले से. तो भाई मुझे तो बहुत मजा आया खाने पीने में बड़ा बेहतरीन टेस्ट था. जाते जाते मैं आपने सोचा कि वीडियो एंड में वहां पे करूँ जाके मैं आपको बता सकूँ कि गाड़ी कहाँ पार्क करनी है. भाई दुबई में पार्किंग के बड़े इश्यूज हैं. तो आपने क्या करना है आपने मैं आपको बताऊं कि आपने एब्सोल्यूट बारबेक्यू वाली बिल्डिंग में एक रैंप है जो कि बेसमेंट में जा रहा है आपने वहां से बेसमेंट में आना है बताना है कि भाई मैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू मुझे जाना है. तो वो आपको एक्सेस कार्ड लगा के पार्किंग में एंट्री देगा वहां से आपने आ जाना है बेसमेंट कार पार्किंग फ्री में कार पार्किंग करें और लिफ्ट पकड़ के चले जाएं ऊपर फ्लोर पे और जाकर अपना मील एंजॉय करें. सो दैट्स इट. आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी पता नहीं भी डार्क आ रही होगी क्या आ रहा होगा. सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.